फरवरी 4 मार्च 2013 संध्या सरजू जी की आरती आप देख रहे हैं सामने। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। अयोध्या नगरी घंटा घाट सरजू मेहरोत्रा रायबरेली का नाम आके यहाँ बढ़ाते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा भंडारा यहाँ कोई करता नहीं है। सामने सरजू जी की आप आरती देख रहे हैं। समाप्त हो चुकी है, अंधेरा हो गया है, लाइट भी नहीं जल रही है। अरे वो दशहरा के तो सारे होते सब गैयन के ले जा खिया हुआ तो खात है साला ही नहीं करते होता है तो बाहर जी तो चले जाए बाबा ही आप लोग ये त्योहार हो। आरती समाप्त हो चुकी है। अब हनुमान जी से हाथ मिला के अब देखिए कल्लू कितने देर में लौटते हैं। अरे सब किसको प्रसाद खिला रहे हैं है? प्रसाद नाम है प्रसाद का, न उनके अंदर हृदय में दया है, न कोई माया है, न उनमें कोई सेवा भाव है। बस प्रसाद लोग बहुत खाते हैं है तो इतना बड़ा बैनर लोग पढ़े, तमाम बाबा लोग सुबह से सैकड़ों बाबा आए, क्या कोई हमसे मिला किसी ने कहा महाराज आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अब हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। ना 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 बस पूजा भंडारा सरजू मैया। अरे काम करो भैया, खाली सरजू मैया से नहीं काम चलेगा, काम करो सेवा करो निस्वार्थ सेवा करो। मंदिर हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, आए इनको मंदिरों में पूजा गया है, इनको देने वाला कोई नहीं। ना 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 इसको भूल के मत देव, यही है सब, क्या कहा जाए अंधा समाज है। इसीलिए हर आदमी आज दुखी है, कोई सुखी नहीं है, भोग रहे हैं सब। यथार्थवादी बनो, सेवा भी करो पूजा भी करो, मनुष्य पहले बन जाओ, यही वेद में भी लिखा है। मनुष्यता कहीं नहीं दिखाई पड़ती ना, चाहे वो साहूकार हो चाहे वो कोई भी। अरे बैनर पढ़ने के बाद कम से कम 1000-2000 लोगों को आना था, मिलना था, जहाँ वास्तव में महाराज आप बहुत बड़ा समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, कहना था ना लोगों को। लेकिन ना, बस वही प्रसाद, वही सरजू मैया और गंगा भैया, अरे सब ठीक है, ये तो परंपराओं में ही चला आ रहा है। लेकिन भगवान ने हम लोगों को काम काज करने के लिए भेजा है, कोई राम काज नहीं करता महाराज, यही राम काज है जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या राम काज नहीं है? यही राम काज है कि गाय रोज काटी जाती है तो कहा नहीं इसके लिए भयंकर कानून बनता, क्यों गाय रोज काटी जाती है तो कहा नहीं पूरा देश इसके लिए उपवास करता। उपवास करना चाहिए कि नहीं? आप तो यहाँ के पंडा हैं गंगा जी के किनारे सब्जी जी के, लोगों को उपवास करना चाहिए कि नहीं? एक दिन का उपवास नहीं कर सकते हैं? अरे उपवास कर लेंगे लोग, उनका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा, करोड़ों अरबों रुपए का अन्न बच जाएगा, और सरकार
उपवास से ही घबराती है महाराज, और देखती इतनी जनता हमारे विरोध में, तब यह है तब क्या कहा जाए, अंधा समाज है महाराज, बड़ा देख दुख होता है, कष्ट होता है। इसीलिए जल्दी जल्दा बाहर ही तो सेठ जी आ रहे थे तो चले आए, हम कहा चलो महाराज नाम को किराया भाड़ा देना कुछ देना, चलो कुछ तो हम काम करेंगे, हम तो भगवान की हैं जवाब दे लेंगे कि हाँ प्रभु हमारी बस जो था हमने किया। तो इच्छा होती कि भाई यहाँ पे कम से कम हिंदुस्तान में एक गाय के लिए क्या सारे हिंदुओं को एक दिन का उपवास नहीं बैठना चाहिए, महीने में बैठना चाहिए ना। तो अब इसी तरह अगर कभी दोबारा आए तो यही हम आह्वान करेंगे लोगों का, कसम खाओ बच्चों का कि एक दिन का उपवास हम लोग करोगे, अब मंदिर में स्थान में दुकान में एक उपवास करेंगे। और उसमें अखबार वालों से कह दिया जाएगा कि जाइए साहब जिस दुकान में जिस मोहल्ले में जिस घाट पर पता लगाना है पता लगा दें, अरे बूढ़ा है बीमार हो ना करें, लेकिन अगर बूढ़ा है तो कह सकता है कि हाँ हम हैं हमने किया है, कोई अपराध थोड़े किया है। तो सरकार अरे बाबा गैया गौ माता एक दिन में कानून बने, एक दिन लगेगा महाराज एक दिन। अब देखिए प्रयास तो हमारा है ही है, हम तो लोगों से यही कहेंगे कि नहीं आपको ना आंदोलन करना है ना चिल्लाना है ना बैठना है, ये नाटक कुछ नहीं, केवल उपवास करना है बस, एक दिन मत खाओ। और जो अखबार वाले आवें तो उनको लिख लिख के अपने जैसे यहाँ आवें अखबार वाले आवें उनको लिख के दे दिया जाए। हम भी अखबार वालों से कहेंगे कि आज जाइए पूरी अयोध्या में पता लगाइए, आज हजारों लाखों आदमी उपवास कर रहा है, तब तो अन्न बचेगा हाजमा दुरुस्त होगा और शाम को उपवास ख़त्म कर दीजिए, ये होता है महाराज। अब देखिए हमारा प्रयास है क्योंकि गोहत्या का इतनी यहाँ तो कुछ नहीं, आप जरा बरेली जाके देखिए आप, मुरादाबाद रामपुर बरेली, रामपुर में तो लगभग घर घर गैया कट रही, घर घर अंदर घसीट के बांध दिया, कत्लेआम हो रहा है, खून नाली में बह रही है और हम दो खामोश बैठे। तो अब तो आप लोगों का यहाँ घाट का काम खत्म हो गया होगा कि अभी है खत्म हो गया, तो आपका कौन सा है यहाँ पर? अच्छा उधर है, अच्छा तो यहाँ पर लोग क्योंकि आसानी से इधर आ जाते हैं, यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा अच्छा अरे गाय का कटना बंद हो जाए तो देश देश पूरी दुनिया में अमीर हो जाए, लेकिन गाय नहीं कटना बंद होगी, नहीं लाख ईश्वर की देन हो, लेकिन हमको भी तो प्रयास करना चाहिए ना, करेगा वही होगा। और यानी हम लोगों को नहीं कुछ करना चाहिए, अरे वो कराएगा तो ओहो, यह तो मुश्किल है, यह तो बड़ी मुश्किल बात आप कह गए, समझ में हमारे नहीं आ रही है कि आप यहाँ बैठ जाओ ठीक, किसी बंद कमरे में बैठ जाओ कि ईश्वर भोजन कराएगा तो करेंगे, ये कलयुग है महाराज और पुराना युग चला गया, अब भोजन करना है तो आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा, कर्म तो जरूर करें, कर्म का कर्म करना पड़ेगा, तो वही कर्म के लिए तो हम बोल रहे हैं कि भाई कर्म करो, कर्म करो भाई, प्रयास करो। हम महात्मा गांधी ये कहते हैं भाई ईश्वर जो करेगा तो होगा, तो भला अंग्रेज का है जाते, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार ये तो मेरा भी नाम है, और आगे क्या लिखते हैं? मिश्रा। मिश्रा, अरे मिश्रा तो हम भी हैं, के मिश्रा हम भी हैं, आप लोग सरजू पारी होंगे? हाँ यहाँ तो सब सरजू पारी, यहाँ कान को हम लोग हैं कानकुब,
यहाँ टोटल सरजी उपारी मिलेंगे, यहाँ कानपुर भी हमारे ख्याल से शायद मिले यहाँ पर सब सरजी उपारी। ये बताइए उस पार कौन सा जिला लगता है? गोंडा। गोंडा, अच्छा अच्छा गोंडा, अच्छा अच्छा गोंडा बस्ती, गोंडा बस्ती बहराइच भी उसके पास में होगा। बताइए के मिश्रा आप, के मिश्रा हम, अब संजोग देखिए अब कैसा। चले इसको रखे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। अंधेरा हो चुका है, बत्तियां सब जल चुकी हैं, फिर भी लोग गंगा सरजू जी के किनारे, बाहर के लोग हैं भाई, अब भी लोग अंदर घुस कर नहा भी रहे हैं, देखिए है ना, अब भी उसी में लोग नहा रहे हैं अंदर। ये तो जैसे जैसे गर्मी के दिन में तो कहिए रात में भी लोग नहाते हैं उसमें है? अच्छा हाँ, कोई बाहर से आया तो 4 मार्च 2014 है। अब मैं कैमरे को बंद कर रहा हूँ। सरजू तट पर आपका सब सीन देखा आपने, सारी बत्तियाँ जल चुकी हैं, सारे पशु घूम रहे हैं, अब भंडारा अब की करके लौटे नहीं कल्लू जी, कल्लू मेहरोत्ता गए हैं, हो सकता है हनुमान जी से हाथ मिला के आओ। मैं चलिए कम से कम रायबरेली का नाम और रोशन कर रहा है, रायबरेली वालों को चाहिए कि दिल खोल करके उसकी मदद करें, वो रखता कुछ नहीं है, सब लुटाता है, इतना महंगा महंगा आइटम सोचिए आप कौन खिलाएगा। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, सरजू तट पर जय श्री राम, 4 मार्च 2014 जय श्री राम। आप भी बोलिए जय श्री राम जय श्री राम, फिर बोलिए जय श्री राम जय। आप के मिश्रा है ना, कृष्ण कुमार मिश्रा, कालिका प्रसाद मिश्रा। अच्छा कालिका, हम समझे कृष्ण कुमार आपने कहा, कालिका प्रसाद मिश्रा। अच्छा वही तो हमने कहा, क्या बात कि हमारे आपके विचारों में इतना अंतर काहे आ रहा है तब। चलो ठीक जय श्री राम। अब भी लोग चले आ रहे हैं, देखिए सरजू नहा नहा कर। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।